तो गाइस आज बनेगा करेले का भुजिया, वो भी दाल चावल के साथ। तो ऐसे कुछ हम राउंड राउंड करेला काट रहे हैं, बिल्कुल ताज़ा है। ठंडी में तो वैसे भी सब्जियां जो आती हैं एकदम ताज़ी ताज़ी आती हैं। तो आज हमने बनाया है हस्बैंड के लिए करेला, जिसे धो के हम काट रहे हैं। तो आप भी ऐसे ही बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी होता है। तो गाइस यहाँ पे हमारा करेला कट चुका है और कढ़ाई में हमने तेल गरम होने के लिए डाल दिया है। इसमें हम कुछ डाल लेंगे मिर्च के टुकड़े। तो मिर्च को हम दो पार्ट में ही तोड़ेंगे और इसे अच्छे से तड़का लेंगे। तो हमारा मिर्च जो है हल्का सा भुन चुका है, इसी में हम डाल लेंगे अपना करेला। तो करेला की भुजिया ऐसी ही बनती है और इसे हम अच्छे से चला लेंगे। तो गाइस यहाँ पे हमने तेल में अच्छे से कोटिंग कर लिया है करेले का। अब हम उसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लाल मिर्च डालेंगे, क्योंकि भुजिया में बिल्कुल थोड़ा सा मसाला बढ़ता है। तो यहाँ पे हमने हल्दी धनिया मिर्च डाला है और टेस्ट के अकॉर्डिंग यहीं पे हम नमक डाल लेंगे। तो गाइस मसाला डालने के बाद एक बार अच्छे से अपने करेले के भुजिया को मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलरफुल अपना भुजिया लग रहा है, यानी कि हरा हरा करेला, लाल पीली मिर्च, धनिया, हल्दी, और अच्छे से भूनने के बाद इसका स्वाद बहुत बढ़िया आएगा। तो हम इसे ढक ढक के करीबन 20 मिनट तक पका लेंगे। करेला जितना अच्छे से भूने उतना ही स्वादिष्ट होता है। तो हम इसे 20 मिनट तक स्लो फ्लेम पे भूनेंगे, तभी जाके अच्छे से पकेगा। तो यहाँ पे हमारा 10 मिनट तक भुजिया अच्छे से भूनने के बाद आधा से ज़्यादा गल चुका है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया भुजिया गला है और बिल्कुल सुनहरा सा कलर भी आया है। तो अब हम इसे फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस पे हम आधी नींबू का रस निचोड़ देंगे। इससे क्या होता है, जो भी हल्का कड़वाहट होता है वो निकल जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब नींबू का रस डालने के बाद हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और ये हमारा भुजिया जो है वो डन हो गया। तो चलिए हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो गाइस थोड़ा देर ढकने से क्या होता है, नींबू का रस अपना अच्छे से सब्जी में ऑब्जर्व कर देता है, तो और भी टेस्टी लगता है। तो ये रहा हमारा करेले का करारेदार भुजिया, जो कि दाल चावल के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। गाइस हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।